नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अभिभावकों के लिए चल रहे संघर्ष में अभिभावक संघर्ष समिति का धरना 36वें दिन भी जारी रहा। नो स्कूल नो फीस को लेकर अभिभावकों ने जोरदार प्रदर्शन किया तथा अभिभावक संघर्ष समिति को लगातार जन समर्थन मिलना जारी है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह राणा वे व्यापारी एकता के अध्यक्ष नदीम कुरैशी तथा मोबाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष दानिश आजम और कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा तथा सपा के पूर्व मंत्री सरफराज खान सभी साथियों ने सहित अभिभावक संघर्ष समिति को समर्थन देने की घोषणा की। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा ने वे दानिश आजम ने कहा, यह आम जन की लड़ाई है जिसमें सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। फरहाद गाड़ा वे संदीप चौधरी जिला पंचायत सदस्य ने कहा, 28 तारीख को इस आंदोलन का निर्णय हो जाएगा। अगर उस दिन भी प्रशासन ने जागने का काम ना किया तो कुछ दिनों बाद लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे। धरने पर उपस्थित राजेश गुलाटी, हरपाल वर्मा, पंकज कालरा, सलीम अख्तर, राजू सुखीजा, विशाल गुर्जर, महताब अली इसरार, प्रमुख सुफियान चौधरी, चौधरी वासिल, डॉक्टर आदित्य राठी, अमित जागड़ा, संदीप सैनी, जोली प्रजापति, अमित धीमान, उज्ज्वल चौधरी, रोनी चौधरी, अजय सिंह, गुर्जर अनूप, गुर्जर फैसल नसीम चौधरी, धनवीर सिंह राणा, साहिल सैफी, अनिल त्यागी आदि उपस्थित रहे। सहारनपुर से ब्यूरो चीफ हैदर अंसारी की खास। समिति का धरना आज 36वें दिन जारी है और जन समर्थन लगातार मिलना भी जारी है। आज जयवीर राणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने हमें समर्थन दिया। मोबाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष दानिश आजम जी ने हमें समर्थन दिया। कुरैशी जी ने हमें समर्थन देने का काम किया और जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वरुण शर्मा जी जो अभी हमारे बीच में पहुंचे, उन्होंने हमें समर्थन देने का काम करा। कांग्रेस का समर्थन पहले से हमारे साथ था, सभी साथियों के साथ वो यहाँ पहुँचे। हम इन सभी का धन्यवाद करते हैं और आह्वान करते हैं सबसे 28 तारीख में हर आदमी कोविड-19 के तहत ध्यान रखते हुए थोड़ी दूरी बनाकर इस प्रदर्शन को सफल बनाने का काम करेंगे और जिला अधिकारी महोदय जो जिला प्रशासन सोया हुआ है हम इसे जगाने का काम करेंगे। के तत्वाध्यान में और इस कार्य संघर्ष समिति के अध्यक्ष हमारे भाई संजय वालिया जी ने आज जो ये नो स्कूल नो फीस की मांग पूरे जोरों शोरों पर 36 दिन से लगातार संजय वाले जी और उनकी पूरी टीम, भाई फराद गाड़ा जी, फास सलीम साहब, राजन अग्रवाल जी, रवि यादव जी, रेखा दीवान जी, राजू सुखीजा जी, कुलदीप चौधरी जी, बबलू कश्यप जी, रणबीर सिंह जी, अमित काम्बोज जी, सुरेंद्र सैनी जी, हाजी मोहम्मद अहमद साहब, मोनू कश्यप जी, फहद गाड़ा भाई, उस्मान भाई, अबू बकर जी, इकराम खान जी, सलीम अख्तर जी, नवाब गुज्जर जी और सभी अभिभावकगण पूरे जोर शोर से जो एक मांग इन्होंने उठा रखी है कि नो स्कूल नो फीस। जब बच्चा स्कूल जा ही नहीं रहा है तो फीस स्कूल वाले किस कारण से अभिभावकों से मांगने का काम कर रहे हैं। आज 36 दिन हो गए हैं संजय वाले जी और उनकी पूरी टीम को, महानगर कांग्रेस कमेटी सहारनपुर, समस्त कांग्रेसजन, हमारे वरिष्ठ कांग्रेसजन, हमारे पूर्व विधायक अनुशासन समिति के सदस्य इमरान मसूद साहब भी यहाँ आए थे, जिलाध्यक्ष हमारे चौधरी साहब भी आए थे। मेरी तबीयत उस दिन ख़राब थी, मैं आज पहुँचा हूँ। हमारा पूरा समर्थन, कौन सी तारीख को आंदोलन, 28 तारीख में जो बड़ा आंदोलन अभिभावक संघर्ष समिति के बैनर तले होगा, उसमें महानगर कांग्रेस कमेटी की पूरी टीम, सभी पूर्व विधायक, MLAs, MPs, हमारे सभी साथीगण पूरे जोर से इनका समर्थन करेंगे और इस मांग को पूरे जोर शोर के साथ राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचाया जाएगा। क्योंकि ये मांग खाली सहारनपुर की नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरे भारतवर्ष की है। जब बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा है तो फीस की किस बात की ली जा रही है। वैसे ये शिक्षा के नाम पर धांधलियाँ तो बहुत हो रही हैं, रोक रोक, ठीक है जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, ठीक है जी। हम कोई फीस नहीं जमा करेंगे, कोई अभिभावक फीस जमा नहीं करेगा और पूरा समर्थन महानगर कांग्रेस कमेटी का हमारा अभिभावक संघर्ष समिति के अध्यक्ष भाई संजय वालिया जी के साथ है। तन से भी, मन से भी और धन से भी, हर तरह से कंधे मिलाकर हम इनके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।